Second test we are doing the revision, and today we are doing the revision of chapter number 3, our needs. In this chapter, two topics are there: air, water. Yesterday I have explained about air and water. सबसे पहले तो chapter का नाम है our needs. इस chapter में हम study कर रहे थे कि हमारी needs क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनकी हमको need होती है, जरूरत होती है. एयर के बिना नहीं रह सकते, हवा की हमारी नीड है. वाटर, वाटर की हमारी नीड है. पानी, क्योंकि इसके बिना भी हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है. डेली के हमारे कई वर्क ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हमको वाटर की नीड होती है. फूड, हेल्थ अकॉर्डिंग फूड, फूड भी हमारी लाइफ, हमको अलाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है. ये भी हमारी क्या है, नीड है. CLOTHES, क्लोथ, क्लोथ भी हमारी नीड है. क्लोथ हमारे बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. इसके अलावा हॉट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इन सबसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्लोथ की नीड भी होती है. हर व्यक्ति इस दुनिया में, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हो, सभी क्लोथ पहनते, कपड़े पहनते हैं. तो ये हमारी नीड है. क्लोथ के बिना भी हम नहीं रह सकते. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाना. एक ही जगह बैठे बैठे हम अपने घरों में तो नहीं रह सकते, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है काम करने के लिए. हर किस, जैसे हमारे पेरेंट्स को काम करने के लिए, हमको स्कूल जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए हमको जाना ही पड़ता है. एक जगह पर रहे बैठे बैठे तो हमारे काम नहीं हो सकते. तो हमें अपने घर को पूरा पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की नीड भी होती है, और उसके लिए हमको व्हीकल की जरूरत होती है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है. और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स होता है अपनी बात किसी से कहना, दूसरे की बात को सुनना. तो हमारे को हमारी लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है. अगर हम अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे तो कैसे जी पाएंगे, या किसी की बात को नहीं समझ पाएंगे. हमको क्या चाहिए, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या बोलना चाहते हो, खुशी, आपका लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, सैड, आप सैड हो, तो सारी चीज़ें आप किसी न किसी को बताते हो. तो ये एक दूसरे को कोई भी बात अपनी बताना कम्युनिकेशन में लगता है. तो कम्युनिकेशन की भी हमको नीड होती है. ये सारी चीज़ें जिनको हमारी लाइफ के अंदर हमको नीड होती है, एयर, वाटर, फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. एयर और वाटर तो कल हमने क्लियर किया था, आज हम बाकी के टॉपिक क्लियर करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड नंबर का फूड. फूड बच्चों, हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए. फूड नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो लाइफ ही हमारी पॉसिबल नहीं है. और जो फूड हम खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, फूड हमको खा कौन देता है, वो हमको देते हैं प्लांट्स. हमको फूड किससे मिलता है, PLANTS प्लांट से, और ANIMALS एनिमल से. प्लांट से तो हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें हमको फ्रूट्स, हमारे जो अनाज है, सीरियल्स, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स और वेजिटेबल तो आप जानते ही हो. ऑयल भी हमको प्लांट से मिलता है. स्पाइसेस, मतलब कि कई तरह के जो स्पाइसेस हैं, मसाले, वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं. तो हमारा बहुत सारा जो फूड है वो हमको प्लांट से मिलता है. एनिमल से भी हमको फूड मिलता है, जिससे मिल्क हो गया, एग हो गए, मीट, ये सब हमको कौन देता है, एनिमल. तो हमारा फूड हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. समझ में आ गया. इसके अलावा फूड जो है वो तीन तरह का होता है. जो भी हम फूड खाते हैं वो तीन तरह का होता है. एक तो होता है एनर्जी की बॉडी बिल्ड,
लेडीज जो है कहीं पे साड़ी ब्लाउज पहनती हैं, कहीं पे घाघरा चोली पहनती हैं, कहीं पे सलवार कुर्ता पहनती हैं। तो इस तरह से हर जगह के हमारे इंडिया में पहनने वाली जो ड्रेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, एक प्लेस से अदर प्लेस पे जाना जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम डिफरेंट टाइप के व्हीकल यूज करते हैं, लेकिन ये जो व्हीकल है इनको थ्री वेराइटीज में डिवाइड किया हुआ है, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक व्हीकल वो होते हैं जो लैंड पे चलते हैं, जैसे बस, कार, स्कूटर, ट्रक, ट्रेन, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। वाटर पे चलने वाला जो ट्रांसपोर्ट है जैसे बोट, शिप, सबमरीन, ये क्या है, वाटर में चलती है। तो ये जो व्हीकल है ये वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जो है ये हवा में उड़ते हैं, तो ये एयर ट्रांसपोर्ट, एयर में मूव करते हैं ना, तो इनको एयर ट्रांसपोर्ट। तो थ्री टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, एक दूसरे को अपनी बात बताना, दूसरे की बात को सुनना। ऐसे ही कम्युनिकेशन भी टू टाइप का होता है बच्चों, एक तो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, दो तरह का होता है, एक होता है PERSONAL पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, और एक होता है मास कम्युनिकेशन। क्या डिफरेंस होता है उनमें? पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जब हम एक बार में एक ही व्यक्ति से बात करें या अपनी बात एक बार में एक ही इंसान को बताएं, वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हमने लेटर लिखा और हमने किसी को सेंड किया, तो वो लेटर जिसको हमने सेंड किया वो ही पढ़ता है, तो ये पर्सनल, एक बार में एक ही व्यक्ति से हमने बात की ना, एक ही पर्सन से बात की, ये पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन से या टेलीफोन से फ़ोन किया तो एक बार में एक ही पर्सन उसको सुन रहा है उस बात को, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन है। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें एक बार में बहुत सारे लोगों से एक साथ बातचीत हो जाती है। जैसे टेलीविज़न के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल जाती है, तो एक बार में